हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो उम्र में हुजूर से बड़े थे ना,
जैसे हजरत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, ये उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं, मगर अदब देखें आप। इनसे किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं, पूछी जा रही है उम्र, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं कुछ साल पहले पैदा हो गया। सुभानअल्लाह, आपके चाचा हैं वो कहते हैं, तुम पूछ रहे हो बड़ा कौन है, बड़े हुए हुजूर हैं, तो कहते हैं बड़े तो हुजूर ही हैं, बस मैं थोड़ा पहले पैदा हो गया। बात दोनों हो गई, अदब का अदब रह गया और उम्र जो बतानी थी वो हो गई। बहरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2.5 बरस छोटे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। इनके वालिद का जो नाम है वो उस्मान है, हजरत अबू बकर के अब्बा का नाम क्या है? उस्मान। इनकी कुनियत अबू कुहाफा है, कुनियत जो है ये अबू कुहाफा है। इनकी वालदा का नाम, अम्मी जान का नाम सलमा है और उनकी कुनियत उम्मुल खैर है, उनकी जो कुनियत है उम्मुल खैर और नाम है उनका सलमा। उनके अब्बा का नाम सलमा उस्मान और कुनियत अबू, इसको समझ लें आप कि जिस नाम से पहले या जिस लफ्ज से पहले मर्दों में अबू का नाम अबू लफ्ज लगेगा, तो जहाँ अबू आया आप समझ लो ये उस जात का नाम नहीं है बल्कि ये कुनियत है। और औरतों में नाम से पहले अगर उम आ जाए, उम अलिफ मीम, तो समझ लो ये उस खातून का नाम नहीं है, ये उस खातून की कुनियत है। तो अबू कुहाफा, ये कुहाफा आगे आ गया, उससे पहले अबू आ गया, तो इसका मतलब है ये नाम नहीं है बल्कि ये उनकी कुनियत है। उम्मुल खैर, तो खैर से पहले उम आ गया, तो इसका मतलब ये नाम नहीं है बल्कि उनकी कुनियत है। ऐसे जहाँ जहाँ मर्दों के साथ अबू लगाव में देखेंगे आप, तो ये उनका असल नाम नहीं होता। जैसे हमारे इमाम अबू हनीफा, ये नाम है उनका जी? नहीं, नाम नहीं है। क्यों? कि पहले अबू आ गया इसलिए उनका नाम नहीं है, ये उनकी कुनियत है। उस नाम से कुनियत वाला नाम दिया जाता था, उसी के जरिए पुकारे जाते थे। अबू हनीफा ये नाम नहीं है बल्कि उनकी कुनियत है। अब हम जिसका जिक्र कर रहे हैं अबू बकर, अब ये नाम है इनका, ये समझ लेते आप। अबू बकर जो हम बोल गए बार बार, तो इसका मतलब ये हुआ जो मैंने आपको समझाया कि मर्द का नाम हो बकर है और उससे पहले अबू आ गया, तो ये नाम नहीं है उनका, ये क्या है? कुनियत है। अबू कुहाफा कुनियत है, उम्मुल खैर कुनियत है। तो अबू कुहाफा कुनियत और नाम उस्मान, उम्मुल खैर उनकी अम्मी की कुनियत है और नाम है उनका सलमा। तो हजरत अबू बकर ये उनकी कुनियत है, इनका नाम क्या है जी? क्या नाम है? गलत बोला, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। सिद्दीक नाम नहीं उनका लकब है। सिद्दीक क्या है? लकब। हजरत अबू बकर के दो अल्पाब हैं, एक है सिद्दीक और एक है अतीक। ये अतीक आपका लकब है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिद्दीक का लकब आपने बार बार सुना है मगर अतीक कम सुनने में आता है। जहाँ अतीक लफ्ज बोला जाएगा सहाबा में, उससे मुराद अबू बकर सिद्दीक है। आला हजरत फरमाते हैं महबूब रब अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, सब्ज कुब्बा गुंबद खजरा, महबूब रब अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जन्मगाह अतीक उमर की है। महबूब रब अर्श है इस सब्ज कुब्बा में और पहलू में जन्मगाह
अतीको उमर की है तो हुजूर के पहलू में कौन दफन है? तो पता चला अतीक अबू बकर है, उमर उमर है, तो अतीक भी लकब है हजरत का और सिद्दीक भी लकब है और अबू बकर कुनियत है। इनका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने के बाद इनका नाम रखा अब्दुल्लाह। बोलो अबू बकर का नाम क्या है? अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह नाम है, इनका असल नाम अब्दुल्लाह है जो हुजूर ने रखा। मगर दौरे जिहालत में जब पैदा हुए तब नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त इनके वालिदैन ने इनका नाम रखा था अब्दुल काबा। क्या नाम रखा था? ये जहालत वाला नाम था, इनका नाम उन्होंने रखा था अब्दुल काबा। इसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आखिरी अब्दुल काबा की वजह तस्मिया, ये नाम रखे जाने की वजह क्या? तो काबा चूंकि पहले से अजमत वाला है और हर कौम उसे इज्जत की निगाह से देखती है, अगरचे अरब वाले शिर्क में मुबतला थे, कुफ्र में मुबतला थे, मगर काबे को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। अगरचे उस पर उन्होंने बुत भी सजा दिया था, बुतों की परस्ती छोटी थी, मगर फिर भी काबे का तवाब बराबर करते थे, काबे का एहतराम करते थे। तो उन्होंने हजरत अबू बकर की जब विलादत हुई तो बच्चे का नाम क्या रखा माँ बाप ने? अब्दुल काबा। इसकी वजह क्या रही? तो वजह यह है कि आपके माँ बाप के यहाँ औलादें तो पैदा होती थी मगर जिंदा नहीं रहती थी। बच्चा पैदा होता है इंतकाल कर जाता, बच्चा पैदा होता और मर जाता। तो इन्होंने मिन्नत मानी, मिन्नत ये मानी कि अगर हमारे यहाँ लड़का पैदा होगा और वो जिंदा रहेगा तो उसका नाम हम अब्दुल काबा रखेंगे, अब्दुल काबा रखेंगे, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर काबा शरीफ की खिदमत के लिए उसे वक्फ कर देंगे अगर वो जिंदा है। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और हजरत पैदा हुआ। तो जहालत का दौर था, माँ बाप ने कहा भाई मिन्नत मानी थी और ये लड़का पैदा हुआ है तो भी मिन्नत के मुताबिक बच्चे का नाम अब्दुल काबा रख दिया जाए। अब्दुल काबा इनका नाम रखा। बाद में जब ये इस्लाम में आए तो फिर हुजूर ने फरमाया ना ये नाम इस्लामी नहीं है, बंदा तो अल्लाह को होता है, काबा तो अल्लाह का घर है। तो आपने फरमाया अब्दुल काबा नहीं बल्कि उनका नाम अब्दुल्ला रखा। अब यहीं से हम आगे चलते हैं। हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला, कुनियत बोले लकब और अतीक, ये दो लकब, एक कुनियत एक नाम। अब नाम की मैंने बता दिया। अबू बकर इनकी कुनियत क्यों बड़ी? ये जो नाम से पुकारा गया है ये कुनियत अबू बकर इनको किस वजह से मिली? तो इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल अहादीस की किताबों में हमको मिलते हैं। सबसे पहली बात जिसमें से चंद मैं बता रहा हूँ, एक दो या तीन शायद बता दूँ मैं आपको, एक तो ये है कि अबू का माना है बाप, एक माना है अबू का बाप, और एक माना अबू का होता है वाला। अबू का माना वाला एक होता है और बाप एक होता है। तो अगर अबू बकर की कुनियत पर हम गौर करेंगे तो उलमा फरमाते हैं कि अबू का माना बाप और बकर कहते हैं जवान ऊंट को। बकर किसे कहते हैं? जवान ऊंट को। हजरत अबू बकर जो है ना, इनको जानवरों में ऊंटों से बड़ा शरफ था, बड़ा लगाव, उनकी निगरानी करना, परवरिश करना, इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। इसके साथ साथ ऊँटों में जितनी बीमारियां आती थी, उनमें कोई बीमारी आती थी उस मामले में उन्हें बड़ी महारत थी। ये चारा क्यों नहीं खा रहा है, इसका इलाज क्या है, ये पानी क्यों नहीं पी रहा है, इसका इलाज क्या, इसमें बड़ी महारत उनको थी।
और जब ऊंट वगैरह बीमार पड़ते तो ऊंटों की निगरानी अगर दूसरों के यहाँ भी बीमार होता तो लोग इनको बुलाते थे कि आके जरा देखो ना मेरे ऊंट को क्या हो गया है, तो वो उसका मुआयना करते और पता लगाते कि इसे फला फला बीमारी हुई है, इसका इलाज फला दरख्त के पत्ते खिलाओ, फला दरख्त की छाल खिलाओ, फला दरख्त की जड़ी बूटियाँ पीस कर इसे पिला दो, अच्छा हो जाएगा। और फिर वो खुद खिदमत करते और ऐसी खिदमत करते जैसे बाप अपने औलाद की करता है। तो मक्का वालों ने देखा यार इनको औलाद की तरह ऊंट प्यारे हैं। तो बकर का माना है जवान ऊंट और अबू का माना हुआ बाप। तो लकब पर उनकर उनकी कुनियत लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया अबू बकर, ऊंटों का बाप, ऊंटों का बाप। ये इस तरीके से आपकी कुनियत प्रदीप अबू बकर। एक कौल के मुताबिक अबू का माना मैंने जो बताया वाला, और बकर का मतलब होता है अव्वलियत। बकर का मतलब अव्वलियत, यानी कोई काम कोई बंदा पहले कर रहे तो उसे कहते हैं बिल्कुल अव्वल में काम इसने किया। तो अबू का माना अगर वाला लिया जाए और बकर का माना अगर अव्वलियत लिया जाए तो इसका मतलब होगा अबू बकर का अव्वलियत वाला। क्या माना होगा? अव्वलियत वाला। तो अबू बकर अगर अव्वलियत वाला के एतबार से है तो फिर ये नाम क्यों पड़ा, कुनियत क्यों रखी गई? तो फरमा उसकी वजह ये है कि इस्लाम कबूल करने में सबसे अव्वल यही है। इस्लाम कबूल करने में अव्वल नंबर पर यही है, हिजरत करने में हुजूर के साथ अव्वल यही है, गार में जाने वाले अव्वल यही है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद खिलाफत में अव्वल यही है, और हुजूर के बाद खुलफा में सबसे पहले हुजूर की वफात के बाद वफात पाने में अव्वल यही है। और हुजूर ने हदीस में फरमाया कि जब कयामत का दिन आएगा और दुनिया वाले जब अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा और इस हाल में निकलूंगा कि एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में उमर का हाथ होगा। यानी हुजूर के बाद महशर में जब कब्रें खुलेगी तो हुजूर के बाद सबसे पहले नंबर पर जो कब्र खुलेगी वो अबू बकर की खुलेगी। इसलिए फरमाया हर हर मामले में अव्वल 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 आ गए, इसलिए उन्हें अबू बकर कहा गया। ये अबू बकर कुनियत की वजह है। बहरहाल ये कुनियत की वजह आपने सुन ली। इनका लकब है सिद्दीक। तो ये लकब क्यों दिया गया, अब किसने दिया? अब इस हवाले से कि सिद्दीक का लकब किसने दिया है इसमें भी मुख्तलिफ अकवाल है। वो मुख्तलिफ अकवाल क्या है? हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ये फरमाते हैं कि अबू बकर को सिद्दीक का लकब अल्लाह ने दिया। इब्ने साद कहते हैं कि अबू बकर को सिद्दीक का लकब मेरे मुस्तफा ने दिया। एक रिवायत में आया अबू बकर को सिद्दीक का लकब जनाबे जिब्रील ने दिया है, जनाबे जिब्रील ने दिया है। एक कौल ये भी है कि अबू बकर को लकब सिद्दीक का सारे मुसलमानों ने दिया। अब सबकी अलग अलग वजह है, उसको भी बयान भी किया गया। वह क्या फरमाया, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज में गए और आसमानों का सफर शुरू हुआ, लामका में गए, साथ साथ जिब्रील थे, तो हुजूर ने जनाबे जिब्रील अलैहि सलाम से कहा कि जिब्रील मैं लौट के वापस जाऊँ और मक्का में जाकर अगर मक्का वालों को मैं इस सफर के बारे में बताऊँ तो कौन मानेगा, क्योंकि आसमानों का सफर उनके दिमाग से बाहर है, उनके अक्ल से परे है। लामका में जाना, ये सारा कुछ बयान करूंगा तो इसे मानेगा कौन? तो जनाब जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह कोई माने ना माने अबू बकर जरूर मानेगा। अबू बकर जरूर माने,
جائے گا, اس لیے کہ وہ صدیق ہے. فرمایا جلیل نے کہا وہ صدیق ہے, اس لیے ان کا لقب پڑ گیا صدیق. ایک بات. دوسری بات, دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد نماز فجر کے بعد آپ حرم کعبہ میں تھے, تو تمسخر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھٹھا کرنے والے کافروں میں ابو جہل ہیں, عتبہ, شیبہ, جو بدبخت قسم کے لوگ تھے, حالت کفر میں تھے, تو روزانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر وحی اترتی تو لوگوں کو سنا دیتے آج میرے رب نے مجھ پر یہ وحی نازل کروائی, قرآن کی آیت اتری ہے. تو فجر کے بعد جو ہے صبح صبح کے وقت میں حضور حرم میں کعبہ میں تھے, تو یہ بدبخت لوگ بھی دوڑے دوڑے آئے, کہا آج سنائیے کیا خبر ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی خبر یہ ہے کہ رات کو میں اپنی بہن کے یہاں سو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ جلیل کو بھیجا, انہوں نے مجھے اٹھایا جگایا اور جگا کر کے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے. میں نے تیاری کی, 70,000 فرشتے اور براق سواری کے لیے تھا, اور پھر میرا سفر یہاں سے شروع ہوا, میں بیت المقدس گیا, وہاں سارے نبی جو مجھ سے پہلے تھے سب موجود تھے, سب میرا انتظار کر رہے تھے, میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کر ان سارے نبیوں کی امامت کی, اور امامت کے بعد پھر میرا سفر آسمانوں میں ہوا, میں آسمانوں پر گیا, ساتوں آسمان پر گیا, جنت دیکھی, جنت کی سیر میں نے کی, جہنم کا مشاہدہ کیا, پھر لا مقام میں گیا, اپنے رب کا دیدار ماتھے کی آنکھوں سے لیا. تو اس میں ابو جہل بھی تھا. تو ایسی کوئی بات ہوتی نا, ایسے یہ تلاش کرتے تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں, انہیں ورغلایا جائے, بہکایا جائے, مسائل کیا جائے, یا جو ایمان لا چکے ہیں انہیں تذبذب کا شکار کر دیا جائے. جیسے ہی یہ بات حضور نے بیان کی تو ابو جہل کہنے لگا کیا تم یہ بات پر قائم رہو گے؟ لوگوں نے فرمایا قائم رہیں گے, میری زبان سے کبھی ایسا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے کہ جس کو میں بولوں اور پھر پلٹ جاؤں, بالکل اس پر قائم رہوں گا. تو کہا ایسا ہوا ہے؟ تو فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوا ہے. یہ اٹھا, اس کی جو ایک ٹانگ اچھی ہو گئی کہ لوگوں کو یہ بات اگر بتائیں گے تو معاذ اللہ, 7,000 بار معاذ اللہ, ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ بہترین چابی ہے. کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی راتوں رات اتنا بیت المقدس جانے کے خیال نہیں آ سکتا, اور پھر آسمانوں پر جانا ہے تو دماغ کے باہر کی بات ہے. کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین چیز آ گئی ہے. یہ دوڑتے اٹھا اور اٹھ کر کے دوڑتا پاکتا سیدھے ابو بکر کے پاس. ابو بکر اس وقت گھر میں تھے, کنڈی کھٹکھٹائی, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں عمرو بن ہشام. ابو جہل کا نام کیا ہے؟ ہاں یاد رکھیے, ابو جہل جو بولتا ہے یہ کیا ہے اس کی کیوں کنیت ہے؟ کیونکہ جہل سے پہلے ابو کا لفظ ہے, تو یہ اس کا نام نہیں ابو جہل, سمجھ میں آ رہی بات؟ ابو جہل اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی کنیت ہے. اس کا نام ہے عمرو. کیا نام ہے اس کا؟ عمرو. اس کے ابا کا نام ہے ہشام, تو عمرو بن ہشام اس کا اصل نام ہے. عمرو بن ہشام اس کا اصل نام ہے, ابو جہل اس کی کنیت ہے. تو یہ دوڑا دوڑا گیا, آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں عمرو بن ہشام. آپ نے دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایک بات بتاؤ. کہا کیا؟ کوئی بندہ رات کو یہاں سوئے اور پھر اچانک اٹھ کر کے راتوں رات بیت المقدس جائے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر جائے, ساتوں آسمانوں کی سیر کرے, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائے, کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا نا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
क्योंकि वो जमाना पैदल का ऊंटों का घोड़ों खच्चरों का जमाना था। यार रातों रात इतना लंबा सफर करके और फिर बैतुल मुकद्दस जाना और वहां से आसमानों पर जाना ये तो और भी बड़ी बात है। वो हालात में से लगता है नामुमकिन लगता है करना, ये माना नहीं जा सकता। तो ये बड़ा खुश हो गया कि तीर निशाने पर लग गया। पर कोई अगर दावा करे कि ऐसा हुआ है हजरत अबू बकर ने फरमाया झूठा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये और खुश हो गया और कहा अबू बकर ये बात कोई और नहीं तुम्हारे साहब बोल रहे हैं। कहा मेरे साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हाँ। उसका बदबख्त पहले बताना चाहिए ना उन्होंने कहा, अगर वो कह रहे हैं तो सही है। तो अभी इनकार कर रहे थे और अभी उनका नाम आ गया तो मान लिया। तो कहा ये आसमानों पर ज्यादा आना उनके लिए तो मामूली बात है, इसे मैं ना मानूं। कहा इससे बड़ी बड़ी बात है उनके कहने पर मैंने मानी है, मैंने खुद आंख से खुदा को नहीं देखा, उन्होंने कहा है और एक है मैंने मान लिया है, मैंने जन्नत दोजख नहीं देखी, उन्होंने कहा जन्नत भी है मैंने मान लिया, जहन्नम भी है मैंने मान लिया, मरने के बाद उठाया जाएगा मैंने देखा नहीं है, उन्होंने कहा है और मैंने मान लिया, मैंने फरिश्तों को नहीं देखा, उन्होंने कहा फरिश्ते हैं और मैंने मान लिया। जब खुदा की जात को उनके कहने पर माना है तो जाना आना तो मामूली बात है। वो मुंह की खाई और निकल गया। अब वो सीधे निकले हरम में आए और हरम में आकर बैठे हुजूर के पास सलाम करके और कहा या रसूलल्लाह मुझे बताए ना मेराज कैसी हुई। और हुजूर ने फिर बयान करना शुरू किया जो पहले बताया, वो बयान करना ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हजरत अबू बकर सर नीचे करके बैठे हुए दुजानू और हर हर जुमले पर कहते सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, आका आपने सच फरमाया, आका आपने सच फरमाया। जब सारा मेराज बयान सारी मेराज बयान हो गई और हर हर जुमले पर आका से कहते थे सदकता सदकता सदकता, आका ने फरमाया तू सिद्दीक है, तू सिद्दीक है। तो मतलब ये कि एक और ये है कि हुजूर ने ये लकब उनको अता फरमाया सिद्दीक का। तीसरा कौल ये है कि ये लकब उनको अल्लाह ने दिया, ये मौलानी का कौल है। कहते हैं ये लकब सिद्दीक का जो लकब है ये लकब हजरत अबू बकर को अल्लाह ने दिया। किसी ने कहा कि अल्लाह ने दिया इसकी दलील क्या है, तो मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी है ना उसी आयत को अबू बकर सिद्दीक ने दलील में पेश कर दिया। फरमाया कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क वसद्दक बिही वउलाइका हुमुल मुत्तकून, वो जो तुम्हारे पास सच्चाई लेकर आया और जिसने उस सच्चाई की तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं, वही लोग मुत्तकी हैं। तो सच्चाई लाने वाले मुस्तफ़ा हैं और उस सच्चाई को सबसे पहले जिसने तस्दीक किया कबूल किया वो अबू बकर सिद्दीक ने। तो गोया सिद्दीक का लकब अबू बकर सिद्दीक को हजरत अली के कौल के मुताबिक अल्लाह ने अता फरमाया। और भी सिद्दीक में भी सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान रहीमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अच्छी बात बयान करवाई इस हवाले से। सिद्दीक का मतलब क्या होता है बोले आप सभी, सच्चा। और सादिक का मतलब होता है सच्चा। दोनों जुमले सादिक और सिद्दीक मुफ्ती अहमद यार खान साहब अली रहमा फरमाते हैं तफसीर की अपनी उनकी तफसीर है उसमें कि दोनों का मतलब अगर सच्चाई है तो फिर सिद्दीक में अल्फाज बढ़ रहे हैं, सादिक लफ्ज छोटा है, सिद्दीक थोड़ा बढ़ जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहा गया, सादिक कहते थे बात वही होती। फरमाते सिद्दीक कहने में कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा। अब वो माना जो बताते हैं वो कहते हैं सादिक वो डिफरेंस दोनों में, सादिक सच्चा, सिद्दीक सच्चा, मगर दोनों में जो हल्का सा फर्क है वो क्या है? वो फर्क
फरमाते हैं सादिक वो बंदा जो वाकिए के मुताबिक बयान करे, जो हुआ है वो बोले, जितना हुआ है उतना ही बोले, वो सादिक। सादिक वो जो हुआ वो बताए, और सिद्दीक वो जो बोले वो हो जाए। बड़ी प्यारी बात फरमाई मुफ्ती साहब ने। सादिक वो जैसा हुआ ऐसा बोले, और सिद्दीक वो जो बोले वो हो जाए। तो मेरा सिद्दीक, और फिर सिद्दीक के साथ सिद्दीक अकबर, बड़े सच्चे। अब ये लकब जिब्रील ने दिया तब भी हमारे सर आंखों पर, मुस्तफ़ा ने दिया तब भी सर आंखों पर, अल्लाह ने दिया तब भी सर आंखों पर। अब जब ये टाइटल लग गया सिद्दीक का, तो उनकी ज़िंदगी में एक मरतबा, बल्कि दो बातें मैं आपके सामने अर्ज कर दूँगा इंशाअल्लाह। ये सिद्दीक की सदाकत का जहाँ मसला है, ऐसा मोड़ भी आया कि डर था कि फिसल जाए, मगर उस वक्त भी आपने अपनी सदाकत की लाज रखी, उसे निभाया। एक मर्तबा तो तब जब कुफार व मुशरिकीन के जुल्म व सितम से तंग आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदा से अपने सहाबा को हिजरत का हुक्म दे दिया, फिर अल्लाह ने हुजूर को भी कह दिया कि आप भी हिजरत कर जाएं। तो हिजरत के सफ़र में अबू बकर सिद्दीक और सरकार दोनों साथ थे। अब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गार में तशरीफ ले गए जबल शोर पर, वहाँ तीन दिन क़याम फरमाया, और फिर बाद में निकले। तो उन दिनों में कुफ्फारे मक्का जो है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले हुए थे, ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेंगे, किधर, किस रास्ते पर जाओ, उस रास्ते पर जाओ, जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, चारों तरफ तलाश करते करते करते, यहाँ तक कि इनाम रखा गया, जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में ऊँट दिए जाएंगे, सौ सौ ऊँटों का इनाम रिवायतों में मिलता है। बहरहाल तीन दिन जब बीत गए, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आका के साथ रात के वक्त निकल पड़े। तो इन लोगों ने जो शहर में दाखिल होने के रास्ते थे ना, जितने मशरिक की तरफ से, मगरिब की तरफ से, शिमाल से, जुनूब से, उन रास्तों पर अपने कुछ बंदों को बिठा दिया था कि जब भी कोई आता जाता नजर आए उसकी तहकीक करें कि कौन है, हो सकता है कि हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाए। अब अंधेरा था, जो रास्ता मदीने की तरफ जाता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, तो जाते जाते अंधेरा ज़्यादा था, तो अचानक पहरेदार को महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। तो उसने पूछा कौन, आवाज़ लगाई, कौन हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं अबू बकर हूँ। तो कहा अच्छा, क्योंकि तलाश हुजूर की थी, अबू बकर को कोई नहीं ढूंढ रहा था, इन्होंने बेधड़क कह दिया मैं अबू बकर हूँ। तो उसे अंधेरे में अंदाजा हो गया था कि आदमी एक नहीं दो है। तो कहा अच्छा, तुम तो अबू बकर हो, साथ में कौन है? अब देखिए ये वो मकाम है, अगर सच बोले तो पकड़े जाए, और झूठ बोले तो फिर सिद्दीक ना रहे। सिद्दीक कहते हैं जो सच बोले, सच्चाई वाला हो। अब अगर सच बयानी करे, बता दे कि कौन है साथ में, गिरफ्तार हो जाएंगे, और अगर ना बताए, गलत बयानी कर दे, तो जाहिर बात है सिद्दीक ना रहे, सच्चे ना रहे। उसने पूछा आप तो अबू बकर हैं, साथ में कौन? तो क्या जुमले का इंतखाब किया अबू बकर सिद्दीक ने, सिद्दीक की सदाकत के मनसब पे से हटे भी नहीं, और दुश्मन से आका को बचा भी लिया। अब वो जुमला क्या इस्तेमाल किया, उसने पूछा आप तो अबू बकर हैं, साथ में कौन है? तो अबू बकर ने कहा रजुलु यहदी तरीक, ये वो है जो मुझे रास्ता बताते हैं, ये वो है जो मुझे रास्ता
बेहतर मकाम पर या तारीखी मकाम पर जाते हैं तो गाइड रखते हैं, वो बताता है हमें इस तरीके से उस जमाने में गाइड रखा जाता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया रजुल यहदीनी तरीक, ये वो है जो मुझे रास्ता बताते हैं। तो वो तो समझा कि ये जमीनी रास्ते में गाइडिंग करने वाला होगा। अबू बकर कहते हैं ना, मुझे जन्नत का रास्ता बताने वाले, ये वो मकाम है। एक मतलब और भी बात में एक वाकया पेश आया था, वो ये वाकया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे हमेशा, है ना, जिंदगी साथ भी गुजारे। वक्त नहीं है कि मैं उस तफसील में जाऊँ, मगर मजबूरी से तस्करा ही बता दूँ कि हमेशा हुजूर के करीब सफर में, हजर में, गार में, मजार में, साथ 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 साथ। एक मरतबा मदीना शरीफ में घर से हुजूर के बारगाह में आने में जरा देर हो गई। जब देर हुई तो लोगों का मजमा हुजूर के हुजरे में पड़ गया था। हुजूर बैठे हुए हैं, कमरा खचाखच भरा हुआ है। हजरत अबू बकर ताखीर से आए, जब ताखीर से आए तो देखा कि बस दरवाजे के बाहर ही जगह है, और अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं था कि हुजूर से दूर बैठो, मोहब्बत को गवारा नहीं था कि हुजूर से दूर बैठो, और करीब बैठने की जगह नहीं। अब क्या किया जाए? जब नजर दौड़ाई तो बिल्कुल हुजूर से, हुजूर के पैरों में लग कर एक देहाती बैठा हुआ है, देहात का आदमी वो बैठा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक ने उसे देखा, था यार क्या नसीब लाया है, जगह भी पाया तो हुजूर के कदमों में मिली। अब क्या करो, दूर बैठना मोहब्बत को गवारा नहीं, और नजदीक बैठने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्या किया जाए? तो आपने जेब टटोला तो उसमें एक अशरफी निकली, जेब में सोने का सिक्का था। आपने सोचा यार ये पैसा कब काम आएगा, वो सिक्का निकाला और दरवाजे के बाहर से दूर से ऐसे दिखा रहे हैं। तो वो नजदीक जो बैठा हुआ था देहाती आदमी था, गामड़े वाला, उसकी नज़र पड़ी, उसको दिखाया, उसने कहा मुझे दे दिया। तो कहा हाँ मुझे, ये उठ गया, उठ के बाहर निकला। आपने वो सोने का सिक्का उसके हाथ में थमाया, जगह खाली हो गई, जल्दी से आके वहाँ बैठे। अब जैसे ही बैठे तो मुँह से निकला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसा कितनी अच्छी चीज़ है। क्या कहा, कितनी अच्छी चीज़ है। जैसे ही उन्होंने पैसे की तारीफ की, हुजूर ने फरमाया अबू बकर पैसा कितनी बुरी चीज़ है, हो गया टकराव। अबू बकर कह रहे हैं पैसा बहुत अच्छा है, और सरकार कहते हैं पैसा बुरा है। अब जो गुफ्तगू पहले चल रही थी ना, बीच में ये जुमले मुतरजा के तौर पर आ गई बात, पैसा अच्छा है, हुजूर ने फरमाना बुरा है। अब फिर वो पहले वाली गुफ्तगू से जुड़ गए, हजरत उमर खड़े हो गए, खरे आप सुन लो वो बात बाद में, पहले इसकी वजाहत कर दे आप, पैसा अच्छा है कि बुरा है, दोनों में से एक तो गलत होगा। अगर अबू बकर की बात गलत कहे तो फिर सिद्दीक ना रहे, और हुजूर गलत कहे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यार सुन लो, दोनों में से कुछ तो गलत होगा, कोई बात सच्ची होगी कोई गलत होगी, या रसूल अल्लाह इसकी जरा वजाहत कर दे। अबू बकर ने बेहतर कहा, आपने बुरा कहा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम बताओ कि पैसे को तुमने अच्छा क्यों कहा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आने में मुझे ताखीर हुई, दूर जगह मिली, अगर पैसा ना होता, समझ रहे हैं, अगर मेरे जेब में पैसा ना होता तो आपके कदमों में जगह ना मिलती, इसी पैसे की वजह से, सोने की वजह से मुझे आपके कदमों में जगह मिली। तो जिस पैसे ने मुझे कदमे रसूल तक पहुंचाया वो पैसा अच्छा नहीं तो बुरा कैसा। सरकार ने फरमाया सच कहा, आपने तो बुरा कहा। तो हुजूर ने फरमाया अब मेरी बात सुनो, अबू बकर जब तक वो पैसा तेरे जेब में था तू मुझसे दूर था, और जो खाली था वो मेरे करीब था,
और जब वो पैसा तेरे जेब से निकला, तू खाली हुआ करीब आया, और जिसके जेब में गया वो दूर चला गया। इसलिए मैंने उसे बुरा कहा। तो पता ये चला इस बात से कि पैसा वही अच्छा जिसके जरिए कदम मुस्तफा मिल जाए, पैसा वही अच्छा जिसके जरिए अल्लाह रसूल की रजा मिल जाए। उस काम की जो दौलत हमें खुदा रसूल से दूर कर दे तो वो सबसे बुरी है, और जो दौलत अल्लाह रसूल के करीब कर दे वो दौलत बेहतरीन दौलत है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लक़ब मिला सिद्दीक का, क्या लक़ब मिला? सिद्दीक का। किसने दिया याद रखेंगे ना? बोलिए किसने? तीन कौर मैंने बताया, बोलिए जिब्रील, एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने, दूसरा लक़ब इनका है अतीक। क्या है? बोलिए जोर से बोलिए अतीक। अतीक का मतलब होता है आजाद। क्या होता है? आजाद, आजाद, छुटकारा। ये लकब किसने दिया? ये लकब इनको किसने दिया? तो इस बारे में भी दो रिवायतें मिलती हैं। एक तो ये कौन ये है कि बचपन ही से इनको अतीक कहा जाता था, एक कौन ये है। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने सबसे पहले अतीक का लफ्ज मेरे अब्बा के लिए आका की जबान से सुना। ये तो कौन है? तो पहले वाला जो कौन है वो क्या है? फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पैदा हो गए, परवरिश पाई, 4 साल उम्र थी। कितनी? 4 साल। तो इनके जो वालिद हैं, फिर पूछ रहा हूँ नाम क्या इनके अब्बा का? माशाल्लाह। और कुनियत अबू कुहाफा। इन्होंने अपने 4 साल बेटे अबू बकर को साथ लिया और बुतखाने गए, और वहां जाकर इनके वालिद ने जो बड़ा बुत था उसकी तरफ इशारा करके कहा कि अब्दुल काबा देख, ये हमारा माबूद है, हम इसकी इबादत करते हैं, तू भी इसके सामने सजदा कर। ये कह के खड़ा कर दिया और आपसे आगे निकल गए उनके अब्बा। जब आगे निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुत की तरफ देख रहे, 4 साल का बच्चा। देखिए कुदरत अपने महबूब की यारी और दोस्ती के लिए जिस यार को चुना जा रहा है उसकी तरबियत भी कुदरत फरमा रही है। वो बुत से कहते हैं तू खुदा है, तो मैं भूखा हूं मुझे खाना दे। तू जवाब दिया है क्या? मुझे कपड़े की जरूरत है, अगर खुदा है मुझे कपड़ा दे। कोई जवाब नहीं आया तो आपने पत्थर उठाया, कहा तू खुदा है तो अब मैं तुझे मारता हूं अपने आप को बचा ले। बस ये जुमला कहा और उठा करके जब पत्थर मारा तो 4 साल का बच्चा है, मगर तारीख बताती है कि इतना बड़ा बुत एक ही पत्थर के वार में जमीन पर गिर गया। अब जैसे ही धार की आवाज आई तो बाप पलट के देखता है कि चारों कोने चित भूत हो गया है, और अलग अलग होकर सिद्दीक खड़े हो गए। दौड़ कर गया था, क्या कर रहे हैं? एक तमाशा लगाया और घसीटते हुए माँ के पास ले गए, कहा देख तेरे बेटे ने क्या किया है, आज बुत पर पत्थर चला दिया हमारे खुदा पर, ये बेइज्जती उसने कर डाली। उस वक्त उनकी वालदा ने कहा था खबरदार मेरे लाल को कुछ ना कहो। कहा मेरे खुद की मेरे खुदा की बेइज्जती कर डाली। कहा ना कुछ ना कहो, जब ये पैदा हुआ था उस वक्त मैंने गैर से आवाज सुनी थी कि ये लड़का अतीक है, आजाद है, इसे छेड़ो मत, ये आजाद है। अब आजाद का एक माना दबंग भी कर सकते हैं आप, एक मतलब इसका दबंग भी लिया जा सकता है। कहते ना मेरे बहुत आजाद है उसको मत छेड़ो, तो दबंग भी हो सकता है। कहा ये जब पैदा हुआ था तो गैब से मेरे कानों में अतीक 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 की सदाएं आ रही थी कि ये बच्चा अतीक है, यानी आजाद है, आजाद है,
یہ روایت یہ کہ پیدائشی طور پر غیب سے یہ نام ان کی والدہ کو سنا دیا گیا تھا, اور دوسری روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں تھی اور حجرے کے باہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں جناب ابوبکر صدیق تشریف لائے اور آنے کے بعد سلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ نے جواب دیا اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا, لوگوں اگر تم جہنم سے آزاد مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابوبکر کو دیکھو. فرمایا یا انت عتیق من النار, اے ابوبکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو. فرمایا اس دن سے ابوبکر کا لقب پڑ گیا, اسی بولیے عتیق. دھیرے دھیرے فرمان چلتے گئے, ذہین تھے, ہوشیار تھے, عرب کے لوگوں میں عمومی طور پر عرب جو قوم ہے نا پہلے ان پڑھ مانی جاتی تھی, لکھنا پڑھنے کا شوق بالکل نہیں تھا ان کے یہاں, بہت کم, بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں تاریخ بتاتی ہے مکہ کی تاریخ, اس زمانے میں جسے دور جہالت کہا جاتا ہے, اس زمانے میں پورا جزیرۃ العرب جو ہے پورے عرب یعنی اس کا جو صوبہ ہے حجاز اس میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب آپ دیکھیں آپ کی تعلیم کا معیار کتنا گھٹا ہوا تھا, 17 لوگ. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان 17 لوگوں میں جو لکھنے پڑھنے والے تھے ان میں ابوبکر صدیق کا نام ہے. اس زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا, لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تجارت میں بھی, کیونکہ عرب قبائل جو تھے یہ لوگ تاجر تھے پیشے سے, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تجارت میں بڑی مہارت حاصل کی, جنگ حرب و ضرب جنگی معاملات میں اس میں بھی بڑے ماہر تھے, ہتھیاروں کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے اس پر بھی انہیں بڑی مہارت تھی. اس زمانے میں شعر گوئی اور شعر فہمی, شعر کہنا اور اشعار کو سمجھنا اس میں بھی بڑی مہارت تھی, اور ایک مہارت اسی زمانے سے ان کے اندر تھی جو فطرتاً تھی کہ علم الانساب نسب نامہ. آپ پورے مکہ میں کسی کا نام پیش کر دیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے کئی پشتوں تک اوپر دادا پردادا لکڑ دادا تک نام پیش کر دیتے تھے, کئی پشتوں تک. علم الانساب نسب کا علم ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ خالی نام لے لو قبیلہ خاندان اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ, اس میں بڑی مہارت, اور کبھی نام بھولتے نہیں تھے کبھی نام بھولتے نہیں تھے. انہوں نے تجارت کو اختیار کیا اور اسی زمانے میں دولت کی ریل پیل پہلے سے تھی, ابا بھی تاجر تھے خود نے تجارت کی, اور تجارت انہوں نے جب سنبھالی تو اسے عروج پر پہنچا دیا بلندیوں پر پہنچا دیا. دولت کی ریل پیل گھر میں تھی, دولت زیادہ تھی پیسہ ٹکا یہ سب کچھ تھا, مگر اس کے باوجود قدرت نے انہیں اتنی دولت ہونے کے باوجود ہر عیش و عشرت سے پاک رکھا تھا. دور جہالت میں فسق و فجور شراب نوشی زناکاری گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے, جہالت کا دور تھا, شراب پینا گناہ تو بڑی دور کی بات ہے, شراب فخریہ طور پر استعمال ہوتی تھی, مہمانوں کی مہمان نوازی شراب سے ہوتی تھی, جیسے آج ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر آپ کے یہاں مہمان آ جائیں اور آنے کے بعد آپ نے بات چیت تو کی اور لوٹا دیا تو جانے والا کیا کہتا ہے, یار کیسا رشتے دار تھا, چائے تب کے لیے نہیں پوچھا. ہمارے یہاں رواج ہے چائے تو کم سے کم چائے یہ پیش کرنی ہوتی ہے. اس زمانے میں اگر مہمان آئے
और उसे शराब ना पिलाई जाए तो लोग उसकी बदनामी करते थे। क्या कैसा आदमी एक प्याला शराब तक नहीं दे सको, ऐसा रिवाज। मगर ऐसे माहौल में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शराब को कभी नहीं छुआ। लोगों ने उनसे पूछा था कि आप ने शराब कभी नहीं पी, तो फरमाना मैंने अपने आप पर उसे हराम कर लिया है और पहले से हराम किया था। वजह क्या, क्योंकि शराब की हुरमत बाद में आई, कुरान में जब अल्लाह ने आयत उतारी कि शराब हराम है, लेकिन आप पहले से नहीं पीते। फरमाया हाँ, मैं अपनी मुरव्वत का हमेशा ख्याल रखता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बदन से बदबू आए। देखिए आप दौरे जहानत की बात है, मगर अल्लाह ने कैसा महफूज रखा है, क्योंकि इन्हें मुस्तफा का यारे घार बनाना है, मुस्तफा का यारे मजार बनाना है। इसलिए पहले से कुदरत ने शिर्क से भी बचाया, कुफ्र से भी बचाया और शराब नोशी से भी बचाया। फरमाते हैं कि मैंने अपने ऊपर उसे पहले ही से हराम कर लिया है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी में कभी शराब नोशी नहीं, शिर कभी नहीं, कुफ्र कभी नहीं। आप फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 18 साल की हुई, 18 साल की, उस वक्त ये तिजारत इन्होंने शुरू कर दी। फरमाया पहली मरतबा मैं जब 18 बरस का था, उस वक्त मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुल्क शाम तिजारत के लिए हम लोग निकले, हुजूर साथ थे। जब हम सफर पे थे तो मुल्क शाम में एक अहले किताब का राहिब एक जगह गिरजा उसने बना रखा था, वहीं वो रहता था। तो हम सफर पर थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्र हुजूर की जो है तकरीबन 20-25 साल होगी और आपकी उम्र 18 साल, कहा यहाँ हमें रुकना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है रुकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया, कहा इस दरख्त के नीचे बैठेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि वो दरख्त बेरी का था, बोर बेरी का दरख्त था। मैंने वहाँ को ज़मीन साफ की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान ले लिया, वहाँ आए और वहाँ बैठे। और मैंने सोचा कि गिरजा है तो वहाँ से कुछ पानी वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं उठ करके वहाँ चला गया। जैसे ही मैं वहाँ गया, उस राहिब से मिला तो राहिब ने कहा कि उस दरख्त के नीचे कौन है। तो मैंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो राहिब बर्दस्ता बोला कि वो जो भी बैठा है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं किस वजह से आप कह रहे हैं वो नबी है पैगंबर है। तो कहा हाँ, का वजह क्या, का ये जो बेरी का दरख्त है इनसे पहले सिर्फ इसके नीचे हजरत ईसा बैठे हैं और हमारी किताबों में लिखा है कि इस दरख्त के नीचे अब जो भी बैठेगा वो अल्लाह का नबी होगा। इस दरख्त के नीचे हजरत ईसा के बाद पहला शख्स जो बैठा है वो वही है जो वहां बैठा हुआ है, लिहाजा वो अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ये बात मेरे दिल में जम गई, मगर मैंने जिक्र किसी से नहीं किया, किसी को बताया नहीं। साल बीते, एक मरतबा फिर फरमाते कि मैं अपने घर में सोया हुआ था या सहने काबा में सोया हुआ था। फरमाते हैं अचानक मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से चांद जमीन पर उतर गया और फिर टुकड़ों में बंटने लगा, टुकड़े होने लगे और हर हर टुकड़ा मक्का के हर हर घर में दाखिल हो गया। मैं वो देखता रहा, चांद टूटा नाजिल हुआ, टूटा बिखरा और उसके टुकड़े मक्का के घरों में चले गए, फिर सारे टुकड़े जमा हुए और सब मिले और कामिल चांद बन गया, पूरा चांद मेरी गोद में आ गया। मैं सुबह उठा, मैंने सोचा कि ख्वाब मैंने क्यों देखा है, क्या इसकी ताबीर होगी। तो ताबीर बताने वाले के पास मैंने जाकर ये सारा वाकया ख्वाब वाला बताया, तो उस
معبر نے مجھے کہا کہ ابو بکر یہ دور جو ہے وہ دور ہے کہ جس دور میں اللہ کے آخری پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے آخری پیغمبر جب اگر ہوں گے اور ان کا نور ہدایت مکہ کے ہر ہر گھر میں جائے گا اور وہ چاند مکمل ہو کر تیری گود میں آ جائے گا, وہ مکمل چاند تمہیں نصیب ہوگا. فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ ان پر ایمان لانے والوں میں تم سب سے پہل ہو گئے, سب سے اول ہو گئے. فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی میرے دل میں جم گئی. ایسے کئی واقعات دور جہالت میں ان کی زندگی میں گزرتے گئے, یہی بات تھی کہ مکمل تیار تھے کہ کب حضور کہیں کہ میں نبی ہوں اور میں کہہ دوں کہ ایمان لایا. یعنی قدرت نے پہلے سے انہیں تیار کر رکھا تھا اور جب وقت آیا. اور ہمارے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے, میں اللہ کا آخری پیغمبر. تو سرکار فرماتے سب نے حجت کی, سب نے قیل و قال کیا, لیکن ابو بکر تھے, میں نے کہا نبی ہوں اور انہوں نے مجھے مان لیا. اور کیوں نہ مانے, رب نے پہلے سے انہیں تیار کر رکھا تھا ذہنی طور پر, قلبی طور پر, فطری طور پر. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی زبر